अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अवंतिका, क्या नया तमाशा है अब ये? पीछे हटो। अगस्त्या! अवंतिका, क्या है ये सब? इस घर में एक मिनट ऐसा नहीं बीतता कि कोई ये कुछ नया कांड ना हो रहा हो। अवंतिका, जांच के बाद ना ये सब दिखना नहीं चाहिए, तुम्हारा कुछ भी नया सर्कस। इशारा मिल गया कन्नू जी, अब हम अगस्त्य का रिश्ता उसी से करवाएंगे जिसको आपने उसके लिए चुना है, शनाया से। शनाया, हम तुमसे कुछ मांगने आए हैं, मना मत करना। क्या? हमारे पति को बचा लो, उस पर बहुत बुरा साया रखा है, अपशगुनी साया, और एक तुम ही हो जो उसको बचा सकती हो। साया मतलब किसका साया? हमारा। महागुरु जी का कहना है कि अगर तुम अगस्त्य से शादी कर लोगी तो उसके सारे कष्ट कट जाएंगे। प्लीज शनाया, हमारे अगस्त्य को बचाने के लिए, इस घर को बचाने के लिए तुम उससे शादी कर लो। नहीं। क्यों? तुम तो उससे प्यार करती हो ना, तुम दोनों तो बेस्ट फ्रेंड्स हो ना, और दोस्त होने के नाते तुम्हारा तो फर्ज बनता है ना उसकी रक्षा करना। हम अच्छे दोस्त थे जब तक तुम हमारी जिंदगी में नहीं आई थी, तब तक। शनाया, हम पीछे हट जाएंगे। मैं किसी शादीशुदा इंसान के साथ शादी नहीं कर सकती, मैं किसी की दूसरी पत्नी नहीं बन सकती। शनाया प्लीज, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के विनती करते, तुम उससे शादी कर लो, अगस्त्य को बचा लो। शनाया प्लीज, उसे बचा लो। अगर मान भी जाओ अवंतिका, तो क्या अगस्त्य मानेगा? वो मानेगा भी और तुमसे प्यार भी करेगा। कैसे नहीं करेगा? तुम तो इतनी अच्छी हो, इतनी पढ़ी लिखी हो, इतने बड़े घर से हो। जोड़ी तो तुम दोनों की बनती थी, हम तो ऐसे ही बस बीच में आ गए। ठीक है, मैं तैयार हूँ, पर मेरी दो शर्तें हैं। बोलो। पहली ये कि तुम्हें अगस्त्य को तलाक देना होगा। और दूसरी, जब तक अगस्त्य इस शादी के लिए नहीं मान जाता, तब तक तुम इस घर से कहीं नहीं जा सकते। और एक बार मान गया, उसके बाद एक पल भी तुम इस घर में नहीं रुक सकती। मंजूर है? ये कुंडली नहीं है, इस घर पे आए सारे कष्टों का निवारण है। अगर शनाया की शादी अगस्त्य से हो जाए तो अगस्त्य के सारे कष्ट टल जाएंगे। मेरी दो शर्तें हैं। पहली ये कि तुम्हें अगस्त्य को तलाक देना होगा, और दूसरी, जब तक अगस्त्य इस शादी के लिए नहीं मान जाता तब तक तुम इस घर से कहीं नहीं जा सकते, और एक बार मान गया उसके बाद एक पल भी तुम इस घर में नहीं रुक सकते। चले जाएंगे, हमसे प्यार को छोड़कर चले जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए। कभी मुड़कर नहीं देखेंगे, अगर सबकी भलाई इसी में है तो हम ऐसा ही करेंगे। चले जाएंगे, नहीं रहेंगे यहाँ पे, हम चले जाएंगे। कहीं नहीं जाओगी तुम। सुना ना तुमने मैंने क्या कहा? कहीं नहीं जाओगी तुम। लो, खा लो। अरे प्रयागराज की सबसे महंगी कुल्फी है। चुड़ैल तेरे साथ अभी काम है इसलिए चुप है, वरना ऐसा जवाब देते ना कि पीढ़ियों की जुबान बंद हो जाती। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, सोच रहे हैं कि हमारे पास जब 6 करोड़ रुपए आ जाएंगे ना तो हम भी तुम्हें प्यार से खिलाएंगे पिलाएंगे। वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें 6 करोड़ गिनने तो आते हैं ना? गिनने आते हैं? हम नहीं तो अरे हमारे तो कई शहरों में अपने बैंक है, पैसे गिनने की मशीन है। स्टेट बैंक ऑफ केरला तुम्हारे नाम का बैंक है। हो सकते थे, हमारी कुंडली में राजयोग था, लेकिन ऐसी नजर लगी किसी की कि भिखारी जोग हो गया। पर अब किरण फिर से राज करेगी। एक बार अवंतिका शनाया को मना ले, फिर हम चले जाएंगे। पर इस बार हमारी किस्मत फिर से ना चल जाए, इसलिए इस अवंतिका की असली कुंडली को जला देते हैं। हाँ, पर इसकी वो नकल रख लेना जिसपे हमने शनाया लिखवाया है। ये अवंतिका वाली तो जला ही दो, ताकि किसी के हाथ ना लग जाए। सुख भरे दिन बीते रे भैया, अब दुख आए हो रही है। जब जरा से खुश होते हैं तो ये अवंतिका को उठा के कहां से एंट्री मार देता है। बैठो इधर। इसे तो पकड़नी चाहिए थी जोरू की लगाम, और ये तो बन रहा है जोरू का गुलाम। तुमसे जुड़ी है डोर पुरानी प्यार अभिमानी, और पिया मन बसिया। तुमसे जुड़ी है डोर पुरानी प्यार। जी क्या कर रही हो? एक सेकेंड, मैं तुम्हें उठा के लेके आया, तुम्हें चप्पल पहना रहा हूं। भाई तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा मैं तुमसे प्यार करने लग गया हूं? वो क्या है ना, कुछ काम नफरत के लिए भी करने पड़ते हैं, दुश्मन को हराने के लिए भी करने पड़ते हैं। और ये सारा कुंडली वाला नाटक तुमने ही रचा है ना? मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूं और तुम्हें 5 करोड़ रुपए मिल जाए। ये तुम्हारे पांव पे जख्म लगना, ये भी तुम्हारी किसी चाल का हिस्सा ही होगा। खुली चोट से बीमारी पड़ती है, हॉस्पिटल तो मुझे भागना पड़ेगा, जिम्मेदारी तुम्हारी मुझे उठानी पड़ेगी। तुम्हें कुछ हो गया तो दोष मुझ पे आ जाएगा और पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। लेकिन अवंतिका, मैं ना ऐसा कुछ होने नहीं दूंगा। इनका भी डर ही लगा रहता है, पता ही नहीं चलता कब एक दूसरे के लिए अच्छे बन जाते हैं और कब एक दूसरे को खाने को दौड़ते हैं। ये तो बस तुम्हें गलतफहमी थी, हमें तो पहले से पता था कि अगस्त्य अवंतिका की चिंता कर ही नहीं सकता। आगे तुम्हें कोई चोट ना लगे, जख्म ना हो, इसलिए चप्पल लेके आया हूँ। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि मैं तुमसे प्यार करने लग गया हूँ। तुम और अगस्त्य एक साथ? पैर में चोट कैसे लगी? कुछ नहीं कुमुद मां, इतने अपशगुन औरों के लिए लाई हूं, एक खुद के लिए भी ले आई। थोड़ी सी चोट लग गई। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है बता दो अवंतिका। आपने हमें अपशगुन ही माना, हमने सहन कर लिया, लेकिन क्या हम इतने पराए हो गए हैं कि आप हमें धोखेबाज समझ रही हैं? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है अवंतिका, हमें कुछ समझ में। कुमुद माँ, हम आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं कर सकते। महागुरु जी ने तो कह ही दिया है ना। अब बस आप भी चिंता मत कीजिए। आपको क्या, अब तो हमें भी लगने लगा है कि अब शगुनी है। लेकिन इस सब का उपाय हमने ढूंढ लिया है। ये सब क्या है अवंतिका? पाए। महागुरु जी ने कहा था ना कि अगर अगस्त्य की शादी किसी सही लड़की से हो जाए तो सारे विघ्न टल जाएंगे। हमें वो लड़की मिल गई है, शनाया, और कुंडली भी मिल गई है दोनों की। पता है 36 के 36 गुण मिले हैं कुमुदमा। तुम अपनी सौतन को ढूंढ के खुश हो रही हो। इस घर के कष्ट खत्म हो जाएंगे ये सोच के खुश है। हमने शनाया से भी बात कर ली है और पता है वो मान भी गई। अब इस घर में सुख समृद्धि आएगी। इस घर में खुशियां लाने के लिए अगर हमें पति दान भी करना पड़े तो हम वो भी करेंगे। जमाने में भी कोई किसी से इतना प्यार करता है क्या? कैसे मान ले कि तुम अब शगुनी हो? कैसे मान ले कि अगस्त्य के लिए तुम सही नहीं हो? कैसे? लेकिन इन सब चीजों के लिए हमारा दिल हामी नहीं भर रहा। हम क्या करें? कुमुद मां, आपको मानना ही होगा अगस्त्य के लिए, इस घर के लिए, पापा के लिए। आपको इस बात की चिंता है ना कि अगस्त्य कैसे मानेगा? कोई बात नहीं, हम अगस्त्य को मनाएंगे। अपने प्यार को बचाने के लिए हमें जो करना होगा हम करेंगे। ठीक है, मैं आपको कॉल करता हूँ। रहने दो, जाओ यहाँ से। समझ में नहीं आ रहा, जाओ यहाँ से। अगस्त्य! अगस्त्य! ये सब अब शगुन हो रहे क्या? हाँ, अगर चलता फिरता इंसान ऐसे गिर जाए तो इसका मतलब तो यही है ना कि घर में कोई बहुत बड़ा अपशगुनी साया है। कहीं भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी गिर सकता है। फिर चाहे पाँव के नीचे गद्दा बिछा लो, पाँव तो टूटेगा ही। एक अपशगुनी को चपले दे दो, चाहे सोते हुए पाँव के नीचे तकिया बिछा दो, तुम्हारा नुकसान तो होना ही है। तो मतलब तुम भी इस बकवास में मानती हो, ये शगुन अपशगुन में? नहीं, लेकिन आंखों देखा नजरअंदाज करना भी बेवकूफी है। क्या देखा तुमने? अरे सब कुछ। तुमने नहीं देखा? पापा पर हमला होना, तुम पर बार बार आपदा आना, फिर वो मधुमक्खियों का काटना, महागुरु जी का कहना। हमें तो यकीन हो गया है कि कुमुद माँ जो कुछ भी कह रही थी सही कह रही थी। इस घर में जो भी हो रहा है वो हमारी वजह से हो रहा है। अरे सीधा सीधा बोलो ना, तुम्हें 5 करोड़ चाहिए। ये फालतू में बातें क्यों घुमा रही हो गोल गोल? ठीक है, बात को गोलमोल नहीं घुमाते हैं, सीधा चुनौती देते हैं। अगर तुम जीते तो तुम्हारी बात सच्ची, कोई शगुन अपशगुन नहीं होता। लेकिन अगर हम जीते तो तुम्हें मानना होगा कि हम अपशगुन ही हैं। ठीक है, बताओ क्या करना है। अपशगुन का मतलब होता है जब कोई भी काम बिना किसी कारण के खराब हो जाए। तो एक काम करो, कोई भी काम करो, कोई आम सा जो तुमने पहले भी किया हो। अगर उसमें कोई अड़चन ना आई तो मतलब तुम सही, लेकिन अगर कोई अड़चन आई तो मतलब हम सही। ठीक है, मैं एक बॉक्सिंग चैंपियन हूँ, बॉक्सिंग मैच कर लेते हैं। नहीं, अगर उसपे कोई भी खराबी हुई तो तुम्हें चोट लग सकती है। कोई सरल सा काम करो। तुम ना मेरी फिक्र मत करो, अपना देखो। नहीं, फिर भी कोई सरल सा काम करो। शगुन वाला, अगर वो भी ना हो पाया तो सब कुछ साफ हो जाएगा। तो ऐसा क्या काम करना है? पता है दुनिया में सबसे बड़ा शगुन का काम क्या होता है? फेरे लेना। दोबारा ले लेते हैं। अगर उसमें कोई व्यवधान हुआ तो इसका मतलब तुम्हें मानना होगा कि हम अपशगुनी हैं। पता है दुनिया में सबसे बड़ा शगुन का काम क्या होता है? फेरे लेना। दोबारा ले लेते हैं। अगर उसमें कोई व्यवधान हुआ तो इसका मतलब तुम्हें मानना होगा कि हम अपशगुनी हैं। मैं ऐसा कोई भी फालतू का काम नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, तो तुम्हें मानना होगा कि तुम गलत थे और हम सही। बोलो पिया अभिमानी, क्या अपने अभिमान पर इतनी बड़ी चोट आने दोगे? खुद को गलत साबित होने दोगे? ठीक है, तैयार हूं मैं। लेकिन हमारे फेरों में ना कोई भी बाहर वाला नहीं आएगा। कोई नहीं आएगा, पर इन फेरों के बाद हम बाहर वाले हो जाएंगे। याद है ना क्या करना है? चलो ये नाटक भी खत्म कर लेते हैं। चलो, पंडित जी आ गए हैं, वो भी आ जाएगी। बदला ले रहे हैं, तेरा बदला। अरे इन लोगों को क्या लगता है कि ये तुझे तकलीफें देंगे और हम इन्हें छोड़ देंगे? नहीं, हम इन्हें सजा देंगे, और इन्हें सजा देने का सबसे अच्छा तरीका यही है, इनसे पैसे लेना। माँ, उन्होंने हमारे साथ कुछ बुरा नहीं किया है। हम जो भी कर रहे हैं वो हमारा निर्णय है। अरे तुझे निर्णय लेना आता ही कहाँ है? इसीलिए तो हमने वसूली समझौते पर दस्तखत लिए थे। अब तेरी देखभाल करना तो हमारी जिम्मेदारी है ना, उसके लिए पैसे तो चाहिए कि नहीं? नहीं माँ, माँ अरे छोड़ हमें। नहीं माँ, अरे छोड़ो। नहीं माँ, रुक जाओ। हम अगस्त्य को सबको जाके बता देंगे कि तुम्हारी योजना क्या है। कि फेरों में तेरी जगह शनाया बैठने वाली है, और अगर अगस्त्य ने पकड़ लिया तो किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अगस्त्य को इस सर्वनाश से बचाने के लिए हम ये करने के लिए भी तैयार हैं। हमें पता है कि दोष हम पर ही आएगा। अगस्त्य हमसे और भी नफरत करने लग जाएगा, और उसकी भलाई के लिए हम उसकी नफरत के लिए भी तैयार हैं। ये लीजिए माँ, चल, पतिदान का समय हो गया। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। दूल्हे राजा अपना दाहिना हाथ आगे लीजिए। ओम येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिबन्धनामि। तुम्हारी बेटी कहाँ है? पीछे। शनाया, आओ बेटा। ये हमारे खानदानी गहने हैं, शनाया को पहना रहे हैं ताकि अगस्त्य को शक ना हो। अब तो वैसे भी इन पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। नहीं माँ, हम ये मंगलसूत्र नहीं दे सकते। वो हमेशा हमारे पति रहेंगे। दुपट्टा, अब चलो भी। अरे, तुम ये जो कुछ भी कर रही हो अपने पति की भलाई के लिए कर रही हो ना, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अरे पूजा की थाल लानी तुम भूल ही गए। तुम चलो, हम आते हैं। हम कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं ना कन्नू जी? अगस्त्या! नहीं, तुम्हारा इशारा कभी गलत नहीं हो सकता, कभी नहीं। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। दूल्हे राजा अपना दाहिना हाथ आगे लीजिए, कन्या वर्ग के हाथ में अपना दाहिना हाथ रखें। कुंडली किसकी है? ओम जजांग्रतो दूरम उदयति दैवम तदुसुप्त सतथैवैति दूरंगमं ज्योतिखां ज्योतिरेकं तन्मे मनः। शिव संकल्पमस्तु प्रार्थना पूर्वक नमस्कारं समर्पयामि। अरे ये नारियल कहाँ रह गया? अब कोई अपशगुन नहीं होगा, देखना है फिर आराम से हो जाएंगे। इसके बाद ये शगुन अपशगुन वाली बकवास खत्म। अरे अवंतिका के हाथ में कुंडली लग गई, सारा पांडा फूट जाएगा, ये शादी रुक जाएगी। अरे तुम अभी तक यहीं खड़ी हो? चाहती क्या हो तुम कि तुम्हें यहाँ कोई देख ले और ये शादी रुक जाए? नहीं नहीं, तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारा काम हो गया ना। बस हो गया हमारा काम। शनाया फेरों के लिए बैठ गई है, पतिदान हो गया है, अब क्या रह गया है? तुम्हारा काम तो हो गया, अब जाओ। इस घर से तुम्हारा जो भी लेना देना था ना, वो खत्म, सारे रिश्ते खत्म। अब ना तो तुम अगस्त्या की पत्नी हो और ना ही खूब की बहू। जाओ जाओ यहां से। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम बच गए, कहीं ये कुंडली अवंतिका देख लेती तो हमारी तो बुरी दशा ही शुरू हो जाती। इससे पहले कि हमारी सारी चालों पे पानी फिर जाए, हम इस कुंडली को जला देते हैं, फिर सारे सबूत खत्म। अरे दामाद जी फेरे लीजिए। लो अवंतिका, आज हम तुम्हारे भाग्य को ही जला देते हैं। आज सारे भगवान मिलकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। अवंतिकाया विहितावतारं मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानां। बेटा ये सामान्य धागा नहीं है, साक्षात ईश्वर का आशीर्वाद है, इसे कभी निकालना नहीं। जी पंडित जी, ये शगुन का धागा तो हमें पंडित जी ने बांधा था, इसे तो शनाया के हाथ पर होना चाहिए, नहीं हुआ तो पंडित जी को कुछ पता ना चल जाए। इसे हम जल्दी से दादी को देकर आते हैं। दादी, दादी आप क्यों जला रही थी ये कुंडली? कौन सी कुंडली? हाँ, अरे बात घुमाने की कोशिश क्यों कर रही हो? हाँ, अब बहाना ढूंढ रही हो यहाँ रहने का? बात आप घुमा रही हैं। दिखाइए कुंडली। कौन सी कुंडली? अरे ये तो हमारी कुंडली है। लेकिन ये दूसरी और बिल्कुल एक जैसी कुंडली शनाया की कैसे हो सकती है? क्या बोले जा रही है? दादी ये क्या है? दादी छोड़ो। दादी पता है ये क्या है? साइनाइड, दुनिया का सबसे खतरनाक जहर। पतिदान के बाद हम यही खाने वाले थे, लेकिन अब सोच रहे हैं कि आपको ये खिला दें। क्या कैसी बातें कर रही है? क्या है इन दो कुंडलियों का सच? देखिए दादी, आप हमसे बड़ी हैं, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन अगर आपने हमें सच नहीं बताया तो हमें इन गोलियों का उपयोग आप पर ही करना पड़ेगा। बताइए दादी, क्या है इन दो कुंडलियों का सच? रुक जाओ, बताते हैं, रुको। देकर तुमने हमसे सच तो उगलवा लिया, लेकिन क्या फायदा? शादी कैसे रोकोगी? फेरे तो पूरे होने वाले हैं। हम अगस्त्य के लिए अब शगुनी नहीं है, हम ही उसके सही जीवन साथी है। हमें ये शादी रोकनी होगी। एक सेकंड को जरूरी कॉल हो सकता। छोड़िए। दादी आप ठीक तो है? लो कट गया। अरे जिसका भी फोन होगा वो फिर से कर लेगा। तुम फेरे पूरे करो। क्या करेगी? हाँ अब हम सबको सच बता देंगे। श्री गंगणपतये नमः। ओम श्री गंगणपतये नमः। ओम श्री गंगणपतये नमः। हे प्रभु, आप तो गणेश जी के वाहन हैं, आप में अपार शक्ति है, कृपया हमारी बेटी अवंतिका के गठबंधन को बचा लीजिए। हे प्रभु, हमारी बेटी की रक्षा कीजिए। खोलो, कोई हमारी मदद करो। चौथा फेरा संपन्न हुआ। ये अक्षत लेकर के हवन कुंड में सुहाग कीजिए। तदेव लगनम सुदिनम तदेव तारावलम चंद्रवलम तदेव। पांचवें फेरे के लिए पैर आगे बढ़ाइए। माफ कीजिएगा प्रभु, हम आपका इशारा नहीं समझ पाए। अगर हम और अगस्त्य एक दूसरे के लिए नहीं बने होते तो हमारा ध्यान हमारे धागे पर नहीं जाता। हम वापस ना जाते और ना ही हमें दादी कुंडली चलाते हुए दिखती। अगर हम और अगस्त्य एक दूसरे के लिए ना बने होते तो आप इन मूषकों को हमारी मदद के लिए ना भेजते। अब हमें यकीन हो गया है कि अगस्त्य और हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। हम ये शादी संपन्न होने नहीं दे सकते, बिल्कुल नहीं। संपन्न हुए, अब सिंदूर की रस्म करेंगे। नहीं, नहीं होगी कोई रस्म। पंडित जी, अब तक कोई रस्म नहीं हुई है। क्या कह रही हो बेटी, सारी रस्में तो हो गई हैं, फेरे भी संपन्न हो गए। नहीं पंडित जी, ये शादी हुई ही नहीं है। तुम यहाँ तो, ये कौन है? ये तुम क्या कर रही हो अवंतिका? शादी क्यों रुकवा रही हो? फेरे हो चुके हैं। नहीं कुमुदा, ये देखिए, गठबंधन टूटा हुआ है। कोई फेरे नहीं हुए हैं, कोई शादी नहीं हुई है। हम बस भगवान की मर्जी का इंतजार कर रहे थे और भगवान की मर्जी यही है कि ये शादी ना हो। अवंतिका, क्या चल रहा है ये सब? क्या चल रहा है ये रोज? क्या नया एक ड्रामा है? झूठी शादी, झूठे फेरे। तुम समझती क्या हो अपने आप को? मुझे क्या समझती हो? बोलो। अगस्त्य, हमारी बात सुनो। हाँ, सुनना चाहता हूँ, जानना भी चाहता हूँ, और मैं अच्छे से जानता हूँ कि यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है ना, उसके पीछे भी तुम ही हो। क्यों? बताओ क्यों अगस्त्य? क्यों मेरे फेरे किसी और के साथ कराना चाहती थी? क्यों घूंघट के नीचे तुम नहीं? शनाया, बोलो। अगस्त्य, हम तुम्हें सब बताएंगे। हम बताते हैं कि अवंतिका ने ऐसा क्यों किया। सब सही थे और हम गलत थे, है ना अवंतिका? हमें पता है तुम ये सब क्यों कर रही हो। 5 करोड़ रुपए के लिए कर रही हो ना? लेकिन तुमने कहा था कि इस घर की सुख समृद्धि और शांति के लिए अगस्त्य और शनाया की शादी करवा के ऐसे चली जाओगी। क्यों नहीं गई? क्यों सामने आई तुम? एक सेकेंड, मतलब आप सब मिले हुए थे? आप सब कुछ पता था? तो खुद का परिवार मेरे साथ धोखा कर रहा था। क्यों माँ, क्यों? भलाई के लिए, तुम्हारी भलाई के लिए, परिवार की भलाई के लिए, जो गलतियां हो गई हैं उसे सुधारने के लिए। कैसी गलती माँ? ये गलती, ये ये गलत लड़की है, गलत लड़की से तेरी शादी हुई है। क्या मतलब गलत लड़की है? मतलब ये कि अवंतिका अब शकुनी है। माँ मैं कितनी बार बोलूं, मैं शगुन अपशगुन में नहीं मानता। लेकिन हम तो मानते हैं। तेरे पापा को चोट लगी, तुझे चोट लगी, उसके बाद कैसे न माने कि लड़की अपशगुनी नहीं है? हाँ, अपशगुनी नहीं है। हम तो अगस्त्य के जन्म जन्म के जीवन साथी है। हम तो वो है जिसके साथ अगस्त्य के 36 गुण मिलते हैं। ये तुम क्या कह रही हो? तुमने सुना था ना महागुरु जी ने क्या कहा था कि तुम अगस्त्य की सही जीवन संगिनी नहीं हो। तुम्हारी कुंडली में मृत्यु दोष है। और आज तक महागुरु जी की कोई भी बात असत्य नहीं हुई है। कुमुद माँ, लेकिन ये बात असत्य है। अवंतिका, हम महागुरु जी के विरुद्ध कुछ नहीं सुनेंगे। कुमुद माँ, हम महागुरु जी के विरुद्ध बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि महागुरु जी ने जो भी कहा वो गलत था। हम बस इतना कह रहे हैं कि जो कुंडली महागुरु जी को दिखाई गई थी वो हमारी कुंडली नहीं थी। वो गलत कुंडली थी, वो बदल दी गई थी। ये कैसे कह सकती हो तुम? कोई सबूत है तुम्हारे पास? कुमुद माँ, आज हम ये सबके सामने साबित करके ही रहेंगे। बताइए दादी, आपने कुंडिया बदली थी या नहीं? अरे क्या बकी जा रही हो? हम क्यों कुंडलियां बदलने लगे? क्योंकि आप नहीं चाहती थी कि हम इस घर की बहू बने। आप हमेशा से चाहती थी कि शनाया इस घर की बहू बने। तुम क्यों झूठे इल्जाम लगा रही हो हम पे? दादी, दादी प्लीज आज झूठ मत बोलिए। ये सिर्फ हमारी जिंदगी का सवाल नहीं है, ये अगस्त्य की भी जिंदगी का सवाल है। इस घर की सुख समृद्धि का सवाल है। पीछे हटो, हम नहीं फंसने वाले तुम्हारे इन आंसुओं के जाल। हमें कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, तो हमें ये बताइए कि आपने हमें कुंडलियों के साथ देखा था या नहीं? कौन सी कुंडलियाँ? हमने कोई कुंडलियाँ नहीं देखी। आपने हमें अंदर आने से रोका था या नहीं? हमने तुम्हें आते देखा ही नहीं, तो रोकेंगे कैसे? आप हमारे पीछे भागी थी या नहीं? अरे इस उम्र में हम चल नहीं पाते, तो भागेंगे कैसे? आपने हमें कमरे के अंदर बंद किया था या नहीं? कौन सा कमरा? हमने तुम्हें फ्रिज में बंद किया था। माँ, हमने कुछ किया ही नहीं। अब क्या बोले जा रही है? कुमुद हमारी बात सुनो, हमने कुछ नहीं किया। अगस्त्य, वो लड़की झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। माँ, इस समय तो आप झूठ बोल रही हैं। एक बार अगर सच सामने आ जाए ना तो उसे छिपाना मुश्किल हो जाता है। माँ, सच क्या है? माँ बताइए, बताइए माँ। अरे तुम सब लोग हमें ही दोषी क्यों ठहरा रहे हो? हमारे पीछे ही क्यों पड़ गए हो? ये सारा नाटक तो उस अवंतिका की माँ का था। कुंडलियों की अदला बदली, शगुन अपशगुन का नाटक, सिर्फ इसलिए ताकि उसे 5 करोड़ रुपए मिल सके। पूछ लो उससे। क्यों किरण? अरे ये किरण कहाँ गई? भाग गई। लगता है सारे रुपए लेके भाग गई। भाग रही थी। लेकिन भाग नहीं पाई। अरे छोड़िए हमें। पापा आप? हाँ बेटे, तेरे पापा आ गए हैं, चिंता मत कर। अब तेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे। सारी उम्र हम तेरे लिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन अब हम चुप नहीं रहेंगे। माँ ये दादी क्या बोल रही है? आप बोल दीजिए कि ये सब सच नहीं है। आप बोल दीजिए कि आप अपनी बेटी के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती है। बोलिए माँ बोलिए। नहीं है हम तुम्हारी माँ, नहीं हो तुम हमारी बेटी। तुम सौतेली हो और हम तुम्हारी सौतेली माँ है। हमें तुमसे कोई लगाव नहीं है और ना ही हमारे दिल में तुम्हारे लिए कोई ममता जागती है। हम तो तुम्हें बस इसलिए पाल रहे थे कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम्हारी वसूली कर पाए। अरे तुम्हारी वजह से तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। अवंतिका पे अपना दोष डालने की कोशिश मत करो। तुमने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी किया वो तुम्हारा फैसला था। हमसे शादी करना तुम्हारा फैसला था, हमारे साथ जिंदगी बिताना तुम्हारा फैसला था। अरे हमें लगा था कि तुम बैंक मैनेजर हो, आगे जाकर बड़े बनोगे, पर तुम तो टीचर निकले। बेटे हम तो तुम्हारी माँ से शादी करने वाले थे बेटा, पर पता नहीं हमारी क्या मति भ्रष्ट हुई कि हमने किरण से शादी कर ली। ये हमारी जीवन की ऐसी गलती थी कि जिसके लिए हम आज तक पछता रहे हैं। बेटा हमें तो बहुत बाद में पता चला कि तुम इस दुनिया में आने वाली हो। तुम्हारी माँ ने ये बात हमसे बहुत देर तक छुपा के रखी, पर जब तुम्हें उसने जन्म दिया तो वो इस दुनिया से चली गई और हम तुम्हें अपने पास ले आए, अपनी प्यारी बेटी को। इसका मतलब अब सारी उम्र एक छोटी जिंदगी जीते आए हैं। हमें यही नहीं पता था कि कौन हमारा अपना है और कौन पराया। अवंतिका, अवंतिका, अरे अवंतिका, अवंतिका बेटा, अवंतिका, 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 हाँ अवंतिका बेटे, अवंतिका बेटे, बस। कोई भी अवंतिका के पास नहीं आएगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ अवंतिका, उठो अवंतिका, अपनी आँखें खोलो। तुम्हारा यहाँ और कोई हो ना हो, लेकिन मैं हूँ तुम्हारा पति, हमारा सबसे अच्छा दोस्त। आंखें खोलो अवंतिका, अवंतिका आंखें खोलो। पंडित जी पानी दीजिए, अवंतिका आंखें खोलो, पानी दीजिए, पानी दीजिए। अवंतिका, 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 तुम अगस्त्य, हम अब शगुनी नहीं है तुम्हारे लिए। हम तो तुम्हारे साथ जन्म की जीवन संगिनी हो। अब मुझे सब सच पता चल गया है अवंतिका। मैं किसी को भी अपना झूठ का पर्दा नहीं डालने दूंगा। अवंतिका सच ये कि तुम सच्ची हो, सच ये कि तुम स्वाभिमानी हो, सच ये कि मुझे हर बार समझने में गलती हुई। मुझे लगता रहा कि तुम मेरा इस्तेमाल करना चाह रही हो मेरे पैसों के लिए, लेकिन सच तो ये है कि तुम्हारी माँ तुम्हारा इस्तेमाल कर रही थी। अवंतिका प्लीज, अवंतिका क्या तुम मुझे माफ कर पाओगी? क्या इस रिश्ते को एक और मौका दे पाओगी? क्या तुम मुझसे नफरत के अलावा कुछ और कर पाओगी? अगस्त्य नफरत, हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं और हमेशा से करते आए हैं। बस इस पल का इंतजार कर रहे थे जब हमारा बचपन का दोस्त वापस लौट आएगा और हम हमेशा के लिए एक हो पाएंगे। पर तुम तो अभिमानी लोगों से नफरत करती हो ना, तो क्या एक स्वाभिमानी लड़की इस अभिमानी से प्यार कर पाएगी? कुर्बानी नहीं हो, तुम तो हमारे पिया हो, सिर्फ पिया। मेरी अवंतिका से अच्छी लड़की मेरे अगस्त को मिल ही नहीं सकती। सही काम आपने, अवंतिका से बेहतर लड़की मुझे मिल ही नहीं सकती। इसी ने मुझे सिखाया कि अगर नफरत करनी भी है ना तो गरीबी से करो, गरीबों से नहीं। इंसान अच्छे बुरे होते हैं, उनका मेरी गरीबी से कोई लेना देना नहीं होता। हमारे अवंतिका ने तो वो किया है जो हम भी नहीं कर पाए। हमारे अगस्त्य को बदल दिया। फिर भगवान के आशीर्वाद से हमने और नकचड़े ने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। कुछ पुराने लोग पीछे छूट गए। शनाया वापस अमेरिका चली गई। पापा माँ को पुलिस के पास ले गए और उन्होंने अपनी गलती मान ली और उस गलती को फिर से ना दोहराने की कसम खाई। चाची और दादी तीर्थ पर चले गए और हम अपने ससुराल और अपने नकचड़े की ढाल बन गए। अच्छा जी, अभी भी नकचड़ा? अरे भाई पति देव तुम्हारा, थोड़ी तो इज्जत दो। पति तो तुम बाद में बने, पहले तो नकचड़े ही थे। बात तो सच है, पहले हम दोस्त बने, बाकी सब कुछ बाद में बने, है ना? बचपन की निशानी याद है? हवा मिठाई। हवा मिठाई तुम्हारी फेवरेट। हमारी बचपन की निशानी, हमारी दोस्ती की निशानी। कितना हंसी माफ करना मुझे अवंतिका, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं नकचड़े से इतना अभिमानी कैसे बन गया, पिया अभिमानी। पर अब नहीं हो। तो अब क्या? अब हो नकचड़े, अकड़ू बकड़ू और पिया, सिर्फ पिया।